हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, फराज कुकिंग चैनल में आज हम डोनट की रेसिपी बनाएंगे। इसी तरह की रेसिपीज के लिए फराज कुकिंग चैनल को ज़रूर विज़िट करें। आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। डोनट बनाने के लिए पहले स्टेप में हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो आप नोट कर लें। मैदा या ऑल पर्पज़ फ्लावर 3 कप, साल्टेड बटर 3 टेबल स्पून, पाउडर शुगर 3 टेबल स्पून, 2 अदद अंडे, 1.5 टेबल स्पून यीस्ट चाहिए होगा, वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून, 1.5 कप हमें मिल्क चाहिए होगा। आइए हम पहले स्टेप में डोनट के लिए डो तैयार कर लेंगे। सबसे पहले अंडे तोड़ लें। इनको फेंट लें। इसके अंदर दूध डाल दें। दूध को हमने नीम गरम करना है। शुगर डाल दें, यीस्ट डाल दें, बटर डाल दें। हाफ टी स्पून वनीला एसेंस का डाल दें। 1 से 2 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब इसके अंदर हम मैदा डाल देंगे। सारा एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। हाथों को अच्छी तरह धोने के बाद अब हम इसको हाथों के साथ मिक्स कर लेंगे। मज़ीद ड्राई फ्लावर लेकर इसको आप इकट्ठा कर लें। इस तरह आटे की तरह हाथों पे बटर लगा के इसके ऊपर चारों तरफ लगा दें। अब इसको 1 आवर के लिए किसी भी गर्म जगह पर माइक्रोवेव के अंदर या ओवन के अंदर रख दें। 1 आवर बाद हम इससे डोनट्स बना लेंगे। डोनट्स के लिए हम कोटिंग तैयार कर लेंगे 3 अलग से बोल लेके। हर बोल के अंदर 1/4 कप आइसिंग शुगर डाल दें, पाउडर शुगर। अब हमने इन तीनों को डिफरेंट तरीके से बनाना है। अब एक बोल के अंदर कोको पाउडर डाल दें 1 टेबल स्पून के लगभग। इस तरह इसके अंदर 3 टीस्पून के लगभग दूध डाल दिया है। हमारी ये चॉकलेट की कोटिंग तैयार हो चुकी है। आप इसकी जगह कोको पाउडर की जगह आप चॉकलेट भी मेल्ट करके डाल सकते हैं। अब दूसरे बोल के अंदर 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस का डाल दें, 1 टेबल स्पून इसके अंदर दूध डाल दें। इसको भी मिक्स कर दें। अगर इसको आप ज़्यादा मकदार में बनाना चाहें तो इसी तरह आप दूध की मकदार और जो शुगर है उसकी मकदार ज़्यादा कर सकते हैं और ज़्यादा इसको बना सकते हैं। इस बोल के अंदर हम इसी तरह दूध डाल देंगे 1 टेबल स्पून के लगभग। और कोई सा भी फूड कलर जो आपकी पसंद का हो, रेड, येलो या फिर ग्रीन, पिंक भी आप कलर इसका कर सकते हैं। मैं यहाँ इसके अंदर रेड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 4 से 5 ड्रॉप इसके अंदर रेड कलर डाल दें। कुछ डोनट के ऊपर हम शुगर की कोटिंग करेंगे। ये हमारे 3 तरह की कोटिंग तैयार हो चुकी है। दो
तैयार हो चुकी है। अब हम इसको काउंटर पे डाल देंगे। काउंटर को पहले आप अच्छी तरह साफ कर लें और इसके ऊपर ड्राई फ्लावर डाल दें। हम दोबारा से इसको इकट्ठा कर लेंगे। अब इसको हम बेल लेंगे। डो को बेलने के बाद आप किसी जार का ढक्कन ले लें या फिर आप कुकी कटर को इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह, और कोई बोतल का छोटा ढक्कन भी ले लें उसके मिडल में इस तरह। इसी तरह आप बड़े साइज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे ढक्कन के साथ इसके मिडल में बना लेंगे इस तरह। इस तरह अब इसको हम बेकिंग ट्रे में रख देंगे और मजीद इसको हाफ आवर के लिए कवर करके रख देंगे ताकि ये मजीद फूल जाए। बचने वाली डो को हम दोबारा डोनट बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। एक कढ़ाही के अंदर ऑयल अच्छी तरह गर्म कर लें और हीट को मीडियम पे रख के इसके अंदर ये जो हमने डोनट बना के रखे हैं ये हम अंदर डाल देंगे। 4 से 5 अदद एक टाइम पे डालें, इससे ज़्यादा ना डालें। आप देख रहे होंगे कि ये कितने अच्छे फूल गए हैं। इनको दोनों साइड से गोल्डन होना चाहिए। जब ये दोनों साइड से गोल्डन हो जाएंगे तो हम इनको निकालेंगे। इसको स्पून की मदद से इस तरह नीचे की तरफ करें ताकि ये मिडल से भी अच्छी तरह कुक हो जाए। इनको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह हम मज़ीद फ्राई कर लेंगे। इसको आप बार बार फ्लिप करते रहें ताकि ये चारों तरफ से गोल्डन हो जाए। मीडियम आंच पर पकाने से ये अंदर से प्रॉपर तौर पर कुक हो जाएंगे। अगर इनको हम हाई स्पीड पर पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इनको भी हम निकाल लेते हैं। इनको ठंडा होने देंगे ताकि इनकी हम कोटिंग कर सकें। अब ये जो डोनट के होल्स थे इनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। इन टिम्बर्स को भी हम निकालेंगे। डोनट ठंडे हो चुके हैं, अब हम इनकी कोटिंग कर लेंगे इस तरह। जब ये अच्छी तरह एक साइड से डिप हो जाएं तो इनको दोबारा ट्रे पर रख दें। अब हम दूसरे कलर से इसकी कोटिंग कर लेंगे। इस तरह बाजार में डोनट्स के ऊपर या केक के ऊपर ये डेकोर से मिलते हैं, आप ये भी लगा सकते हैं। कुछ के ऊपर हम चॉकलेट की कोटिंग कर लेंगे इस तरह। कुछ के ऊपर हम पाउडर शुगर लगा देंगे इस तरह। आप चाहें तो इसको किसी जिपर बैग के अंदर डाल के भी लगा सकते हैं। इस तरह चारों तरफ से अच्छी तरह लग जाएगा। डोनट्स की रेसिपी तैयार है।
उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए फराज़ कुकिंग चैनल को ज़रूर विज़िट करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।